दोस्तों आज के टाइम में हम में से हर कोई कंप्यूटर को यूज करता है, इवन कंप्यूटर को अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या। बट अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करूं कि क्या आपको पता है कि कंप्यूटर के पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो क्या आपको इसका आंसर पता है? अब हो सकता है कि कुछ लोग को आंसर पता हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला क्यों जाता है? क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1870s के टाइम में, और जो पहला कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर आप यूज करते हो आज के टाइम में, वो बना था 1974 में। तो उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्या ये आपको पता है? तो देखते रहे आप इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। तो मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। बेसिकली फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इन चीजों में यानी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड अपना एक काफी बड़ा योगदान दिया। लेकिन यहाँ पे एक टर्म में अभी आपको बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हो। बेसिकली जो आज के टाइम में आप कंप्यूटर यूज करते हो, वो जो सबसे पहला मॉडल आया था पर्सनल कंप्यूटर का, वो आया था 1974 में, और जो चार्ल्स बेबेज हैं, इनकी डेथ हो गई थी 1871 में। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि इनकी डेथ ऑलरेडी 1871 में हो चुकी है, और जो पहला पर्सनल कंप्यूटर आया है वो आया 1974 में। लगभग 100 साल का डिफरेंस है, तो उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर जरा हम समझते हैं कि क्या लॉजिक है। बेसिकली अगर हम चार्ल्स बेबेज की बात करें, तो इन्होंने जो सबसे पहला एक मशीन बनाई थी, जो कि काफी फेमस हुआ था, जो था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन की मदद से आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते थे, पॉलिनोमियल के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते थे, तो इसलिए काफी ज्यादा फेमस हुआ उस टाइम पे। 18 के टाइम में ये बहुत ही बड़ी बात थी, तो ये चीज हुई। उसके बाद उन्होंने 1837 में, 1837 में एक दूसरा इंजन बनाने का सोचा, जो था एनालिटिकल इंजन। इंजन मतलब एक मशीन टाइप है, ऐसा मत समझ लेना कि रेलगाड़ी का इंजन है, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली एक मशीन बनाने का सोचा, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर होने वाला था, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन किए जा सकते थे, पॉलिनोमियल के क्वेश्चन किया जा सकता था, साथ ही जो ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किए जा सकते थे। लेकिन 1871 तक इनकी डेथ हो गई थी, ये जो प्रॉपर वर्क था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इनका जो भी हम बात करें, नोट्स हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, वो सारा डेटा मेंशन था। तो बाद में दूसरे लोगों के द्वारा इन्हीं के इस मॉडल को रखते हुए पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया गया, जो था एनालिटिकल इंजन, जिसमें पंच कार्ड का यूज किया गया, साथ ही इनपुट आउटपुट सभी चीजें पॉसिबल हो पाई, जिसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा गया। सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। साथ ही यहाँ पे टर्म ये भी है कि जो बाद के कंप्यूटर्स बने, जैसे जैसे कंप्यूटर का योगदान बढ़ता गया, तो उनके नोट्स से काफी ज्यादा हेल्प मिली। तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का जो बेसिक, अगर हम बात करें स्टार्टिंग कहां से, तो वो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है एनालिटिकल इंजन को। सिर्फ यही रीजन है जिसकी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सो आई होप कि दोस्तों ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है और फादर ऑफ कंप्यूटर उन्हें क्यों कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।